जब 541 हंड्रेड का गुलाम प्लीज़ ज्यादा से ज़्यादा बुक को शेयर करें लाइक और कमेंट जरूर करें बुक को रेटिंग भी जरूर दें आसमान में सूरज चमक रहा था विक्रांत जैसे ही रेडी होकर गार्डन में पहुंचता है तो अपने रसगुल्लों को फूडुक फूडुक कर स्ट्रेचिंग कर रहे थे विक्रांत अपने रसगुल्लों को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी रौबदार आवाज में बेबीज बोलता है विक्रांत की आवाज सुनते ही बेबीज पीछे की तरफ घूमते हैं और भागते हुए अपने डैड के पैरों से आकर लिप जाते हैं तीनों विक्रांत को डैडी डैडी बोल रहे थे विक्रांत पंजों के बल बैठ जाता है मैंगो और पैप्सी अपने डैडी के गालों पर किस करते हैं सैंडी विक्रांत के सिर पर बैठ जाती है विक्रांत अपने रसगुल्लों को बहुत प्यार करता है विक्रांत सैंडी को गोद में लेकर खड़ा होता है और उन तीनों से पूछता है यू गाइज वो सपोज टू कम दिस इवनिंग देन हाउ कम यू के मैप्सी अपनी भाषा में बोला भवाऊ भवाऊ डैडी सोमू और तीन लोगों ने मिलकर गांव में कांड कर दिया इस वजह से हमें वहां से रफू चक्कर होना पड़ा विक्रांत को पैप्सी की बात समझ नहीं आती विक्रांत उन तीनों से अपनी रौबदार आवाज में बोला अच्छा हुआ तुम आ गए तुम्हारे बिना वंश और आलू के बिना अंशा पागल हो रही है सैंडी विक्रांत के गाल पर किस करके पूछती है म्याऊ 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 डैडी वंश क्या कर रहा है विक्रांत सैंडी की असाइनमेंट देखकर समझ जाता है वो वंश के बारे में पूछ रही है सैंडी को छोटे बेबीज के साथ खेलना बहुत पसंद था विक्रांत सैंडी के माथे पर किस करके अपनी रोबदार आवाज में बोला बेबी नीनी कर रहा है मैंगो विक्रांत की टीक शर्ट अपने मुंह में देकर खींचने लगता है विक्रांत समझ जाता है मैंगो वॉक पर चलने को बोल रहा है विक्रांत बेबीज के साथ वॉक पर निकल जाता है वहीं दूसरी तरफ डेनिस के घर में उर्वशी जैसे ही अंगड़ाएं लेते हुए जागती है तो वो डेनिस के ऊपर डेनिस को चढ़ कर सोते हुए देखती है उर्वशी को पहले तो ये सपना लगता है फिर उर्वशी डेनियल के गाल पर टच करके देखती है तब जाकर उसको यकीन होता है उसका लादल सच में यहाँ है उर्वशी झट से डेनियल को अपनी गोद में लेकर सोते हुए डेनियल के ही चेहरे पर किस करने लगती है डेनियल नींद में ही अपनी मम्मा का एहसास करके स्माइल करता है इस बीच डेनिस भी जाग जाता है डेनिस आंखें खोलते ही सबसे पहले उर्वशी को अपने लाडले को प्यार करते देखता है डेनिस मुस्कुराते हुए बैट पर उठ बैठता है और उर्वशी से बोला वैफी कभी अपने इस हैंडसम और चार्मिंग हस्बैंड को भी सुबह सुबह प्यार कर लिया करो उर्वशी डेनिस की बात सुनकर डेनिस के गाल पर एक किस करके बोली बस आज आपको एक ही किस से काम चलाना पड़ेगा आज मेरा सारा प्यार बस मेरे राजा बेटे का है आपने इसके पीछे से बहुत प्यार लूटा है उर्वशी डैनियल को अपनी गोद में कसकर डेनिस से बोली डेनिस जी बिना देनी के घर घर सा नहीं लगता तो अगली बार आप मेरे देनी को कहीं नहीं भेजोगे डेनिस उर्वशी की बात सुनकर आंखें छोटी करके बोला अरे मैंने कब तुम्हारे लाडले को भेजा था वो तो अपनी मर्ज़ी से गया था उर्वशी डेनिस की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली आप ये जो भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे सामने मत कीजिए दादू का की परमिशन लेकर ही देनी को अपने साथ लेकर गांव गए थे और फिर अपने मुझे कितना परेशान किया था सब भूल गए क्या डेनिस उर्वशी को साइड हक करके उसके गाल पर किस करके सेक्सुअल वॉइस में बोला वाइफी मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारा वो हॉट अवतार उफ मेरी आंखों में वो तुम्हारा हॉट अवतार बस चुका है उर्वशी शर्म जाती है और शर्माते हुए डेनिस से बोली डेनिस जी आप बहुत बड़े हो जब मुझे परेशान करते हो डेनिस उर्वशी के गाल पर बाइक करने चामिंग स्माइल करते हुए बोला वाइफी तुम्हें परेशान करने के लिए ही तो मैंने तुमसे शादी करी है अब तुम्हें पूरी जिंदगी में ऐसे ही परेशान करूंगा डेनिस की बात सुनकर उर्वशी के गाल शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे तभी डेनिस के कानों में एक क्यूट सी आवाज पड़ी मेरी मम्मा कोई परेशान नहीं कर सकता डेनिस डेनियल की बात सुनकर उसके बॉम पर प्यार से मार कर बोला मैं परेशान करूंगा तुम्हारी मम्मा को डैनियल उर्वशी की गोद से उतर कर बेड पर खड़ा हो जाता है और अपने डैडी को घूरते हुए देखने लगता है डेनिस उर्वशी से दूर होकर बोला वह फीलो आ गया तुम्हारा बॉडी उर्वशी डेनिस और फिर डैनियल के हाथ पर किस करके प्यार से बोली अच्छा आप दोनों अब फ्रेश होकर वॉक पर जाएं। आज मैं आप दोनों के लिए मराठी स्टाइल ब्रेकफास्ट बनने वाली हूँ फिर डेनिस डेनियल को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है दोनों बाप बेटा फ्रेश होकर वॉक पर जाने के लिए रेडी होते हैं और विक्रांत के प्राइवेट बीच के लिए निकल जाते हैं विक्रांत और डेनिस दोनों दोस्त अपने बच्चों के साथ रोज सुबह वॉक पर जाता थे वही विक्रांत और डेनिस बीच पर खड़े होकर स्ट्रेचिंग कर रहे थे डेनिस विक्रांत से पूछता है भाई आज आलू वॉक पर नहीं आए विक्रांत स्ट्रेचिंग करते हुए बोला आलू शायद ट्रेवलिंग की वजह से ज़्यादा थक गई हैं इसलिए आज उसकी नींद नहीं खुली डेनिस टेरी मुस्कान मुस्कुराते हुए विक्रांत से बोला भाई आज रेनिंग में जो हारेगा वो जीतने वाले के लिए अपने हाथों का खाना बनाकर लाएगा विक्रांत डेनिस को अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वो इसमें बोला तुम सफ़ा सफ़ा कहते क्यों नहीं हो तुम्हें मेरे हाथों का खाना खाना है डेनिस विक्रांत को देखकर बोला भाई विकी और मधु ने जब देखो तुम्हारे हाथों के खाने की इतनी तारीफ करते हैं कि मेरा मन भी करता है तुम्हारे हाथों का खाना खाने का विक्रांत डेनिस की बात सुनकर कोल्ड वॉयस में बोला मैं बस अपनी वाइफ के लिए कुक करता हूँ डेनिस विक्रांत की बात सुनकर आंखें छोटी करके बोला भाई हम बचपन के दोस्त हैं उसके बावजूद भी तुमने कभी मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर नहीं खिया और विक्की और मधु को तुमने अपने हाथों से खाना बनाकर खिला दिया वो भी इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे वाइफ के दोस्त हैं भाई तुम तो जोरो के गुलाम बन चुके हैं विक्रांत डेनिस की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला मैंने उन दोनों के लिए खाना नहीं बनाया उन दोनों ने अंशा के लिए जो मैंने खाना बनाया होगा उसमें से खाया होगा डेनिस विक्रांत को घूरते हुए बोला भाई मैं नहीं जानता मुझे आज लांच में आपके हाथों का खाना खाना है विक्रांत कोल्ड वॉइस में बोला मैं ऐसा करता हूँ बिजनेस छोड़ कर खाना बनाना शुरू कर देता हूँ फिर विक्रांत ट्रेनिंग करने चलता है डेनिस भी विक्रांत के पीछे पीछे रेनिंग करने लगता है दोनों दोस्त रोज ऐसे ही एक दूसरे के साथ हैं से भरी सुबह शुरू करते थे दो दोस्तों एक घंटे रेनिंग करके बीच पर एक जगह खड़े होकर समुद्र में उठाती लहरें देखने लगते हैं डेनिस टावल से अपना पसीना पहुँचते हुए विक्रांत से बोला भाई वो मॉडल प्रियंका मुझे दिन में कई कई बार फोन करके तुमसे मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मांगती रहती है भाई मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है वो मॉडल प्रियंका तुम्हारी दीवानी हो गई है विक्रांत आसमान में चमकते सूरज को देखकर अपनी रौबदार आवाज में बोला डेनिस चमकते हुए सूरज को हर कोई पाना चाहता है डेनिस के मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला भाई अगर अंशा को पता चल जाए तुम्हारे पीछे कितनी लड़कियां दीवानी बनकर घूम रही हैं ंशा तो क्या करेगी विक्रांत रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला अंशा विल मेक सच अ कंडीशन ऑफ़ दोल्सारेटिंग स्कार रेड ऑफ इवन थिंकिंग अबाउट मी विक्रांत की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला भाई वैसे तुमने सच बोला अंशा उन लड़कियों का बैंड बाजा देगी कि वो तुम्हारे बारे में सोचने से भी डरने लगेगी कुछ देर बाद विक्रांत और डैनिस अपने अपने बच्चों को घर लेकर निकल जाते हैं वही दूसरी तरफ़ अंशा चैन से सो रही थी उसके चेहरे पर पर्दा से कर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और अंशा का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था अंशा को नींद में ऐसा महसूस जैसे कोई उसके गाल पर किसकी बारिश कर रहा हो अंशा के कान में कोई अपनी मीठी आवाज़ में बोला मम्मा गुड मॉर्निंग अंशा के कानों में जैसे ही आलू की मीठी आवाज़ पड़ती है उसकी आंखें झट से खुलती हैं और अनशा आलू को अपनी बाहों में भर कर खुशी से बोली आलू बाबू तुम तो आ गई आलू अनशा की चिन पर किस करके अपनी क्यूट आवाज में बोली मम्मा मैं आ गया ओल मुझे आज आपके हाथों के छमोछे खाने हैं अनशा आलू की डिमांड सुनकर खुश से बोली आज मैं अपने क्यूट छोटे से भालू के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी आलू खुश हो जाती है और ये करने लगती है वंश जो अनशा के बगल में सो रहा था वो आलू के चिल्लाने से जाग जाता है वंश जैसे ही आलू को अंशा के ऊपर लेटे देता है वैसे ही अपने मन में बोला सुबह सुबह इस छोटे भालू की क्यूट शकल देख ली है तो आज का पूरा दिन खबर जाएगा फिर अंशा बेड पर बैठ जाती है वंश रोने लगता है अंशा वंश को रोते देख कर डांटते हुए बोली शैतान लड़के मेरे छोटे भालू से जालिस होने की ज़रूरत नहीं है आज कितने दिनों बाद में अपने भालू से मिली है मैं आज बस आलू को ही प्यार करूंगी तुम रहना अपनी नैनी के पास रहना अंशा आलू को गोद में लेकर बालकनी में चली जाती है वही वंश गुस्से में और गला फाड़कर कर रोने लगता है वंश ने जो बोला वही हुआ अंशा दोबारा से रूम में आ जाती है अंशा और आलू वंश को देखकर हंसने लगती हैं आलू वंश से बोली बदू हम तोतेले छात मजाक कर रहे थे वंश आलू की बात सुनकर चुप हो जाता है और आलू को घूरते हुए अपनी भाषा में बोला आ बड़ाऊ छोटे भालू मुझे बड़े होने दो फिर बताता हूँ कौन बूदू है अंशा आलू नीचे उतर कर बोली आलू बाबू तुम डैडी के पास जाओ डैडी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया डैडी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे आलू अनशा की बात सुनकर अपने डैडी से मिलने जिम में चली जाती है और अनशा वंश को फीडिंग करवाने लगती है आलू भागते हुए जिम में जाती है विक्रांत पुशअप कर रहा था और बेबी सही बैठ बॉल से खेल रहे थे आलू भागते हुए आती है और अपने डैडी की पीठ पर चढ़ जाती हैं आलू खुश से बोली डैडी गुड मॉर्निंग विक्रांत पुशअप करते हुए आलू से बोला मेरे आलू बाबू की नींद पूरी हो गई आलू हाँ बोलती हैं वही दो घंटे बाद सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थे आलू विक्रांत की गोद में बैठकर अंशा के हाथों के बने समोसे खा रही थी वही सौम्या रघुवेंद्र जी से बोली डैडी वो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है रघुवेंद्र जी कॉफी पी हुए बोले हाँ बोलो सौम्या हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली डैड मैं कार्मिक से शादी करना चाहती हूँ रघुवेंद्र जी सौम्या की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोले सोमू बेटा मुझे लगता है तुम थोड़ा और वक्त हो और फिर मुझे बताना तुम्हें कार्मिक से शादी करनी है या नहीं क्योंकि कल को फिर से ये ना हो तुम कार्मिक की किसी बात से नाराज होकर शादी के लिए मान कर दो सौम्या रघुवेंद्र जी से बोली डैड अब ऐसा नहीं है वैदही जी सौम्या से प्यार से बोली सोमु बेटा ये शादी का फ़ैसला है तो इसको सोच समझ कर ही लो अभी कुछ दिन का वक्त वो और अच्छे से सोचो क्या वाकई कार्मिक ही वो हैं जिसके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी बितानी है वही अंशा उन लोगों की बात सुनकर बोली वैसे मैं सच बताऊं आपको सौम्या और प्रोफ़ेसर कार्मिक की सगाई करवा देनी चाहिए कपल में तो झगड़ा वागर चलता ही रहता है अब आप मुझे ले लो मैं रोज विक्रांत सर से डांट खाती हो विक्रांत जो आलू को समोसा खिला रहा था उसकी आंखों छोटी हो जाती हैं और वो अंशा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला स्वीट हाथ तुम्हारे काम ही ऐसे हैं कि तुम डांट खाओ अंशा विक्रांत की बात सुनकर अपनी गोद में मौजूद वंश से बोली बेबी तुम अपने डैडी को देख रहे हो ये कैसी बात कर रहे हैं तुम तो अपनी भोलू मम्मा को जानते हो ना वंश अंशा की बात सुनकर अपनी भाषा में बोला आ छोटी मम्मा आपको इतने डेंजरस आदमी से शादी करने के लिए किसने बोला था कहाँ डैडी जैसा डेंजरस आदमी और कहाँ आप भूल भाली लड़की ये जोड़ी तो अटपटी पर चटपटी सी लगती है वो सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं विक्रांत अपने मोम डैड से रौबदार आवाज में बोला मोम डैड मुझे लगता है सोमो और कार्मिक की हमें सगाई करवा देनी चाहिए शादी हम कुछ टाइम बाद करवा देंगे सौम्या शर्म कर वहाँ से अपना पस उठाकर निकल जाती है रघुवेंद्र जी अपनी रौबदार आवाज में बोले तो फिर ठीक है हम और महारानी आज जयपुर के जा रहे हैं वेद प्रताप जी से सगाई की तरीका निकलवा कर आपको बताते हैं और सगाई हम जयपुर में ही करेंगे विक्रांत हाँ मे सिर हिला देता है कुछ देर बाद रघुवेंद्र जी और वैदेही जी भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं विक्रांत भी आलू को उसके प्ले स्कूल के लिए लेकर निकल जाता है विला में अंशा वंश और बेबीस रहा गए थे अंशा लिविंग हॉल में बैठी थी अंशा पैप्सी से पूछती है मेरे जासूस में बताओ गांव में क्या क्या हुआ पैप्सी अंशा को मुखिया की बेटी वाला किस्सा बताता है अंशा पैप्सी की बात सुनकर ठंडी आह भरते हुए बोली पैप्सी एक वक्त था जब हम भी ऐसे ही मजे करते घूमते थे और आज देखो घर से बाहर जाने के लिए भी तुम्हारे थर की डैडी की परमिशन चाहिए होती है काश पुराने दिन लौट आए मज़ा ही आ जाएगा मैंगो अंशा की बात सुनकर बोला मेंगो खुली आंखों से सपने नहीं देखते हैं जब फाइव हंड्रेड फोर्टी टू आप मम्मा हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें लाइक और कमेंट जरूर करें बुक को रेटिंग भी जरूर दें। वही दो दिन गुजर गए थे आसमान में आज सुबह के वक्त भी बदल घिरे हुए थे अंशा के फोन का अलार्म बजाने लगता है आंशा अंगड़ाई लेते हुए उठाती है और बैग के क्राउन से टक लगाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें खोलकर अपनी बगल में देखती हैं वंश को ना पाकर अंशा की आंखें छोटी हो जाती हैं। अंशा बेड से उतरती है अपने स्लीप पहनती हैं और सीधे विक्रांत के जिम में पहुंच जाती है अंशा विक्रांत को लेट लिफ्ट करते देखती है इस वक्त विक्रांत की बैंक उसकी तरफ थी विक्रांत की बॉडी देखकर अंशा अपने मन में बोली जो भी हो विक्रांत सर से ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग आदमी मैंने नहीं देखा अंशा ऊपर देखकर धीमी आवाज में बोली देदा आप और मोम जैसा लड़का मेरे लिए चाहते थे विक्रांत सर अस्सी प्रतिशत तो वैसे ही हैं। हाँ विक्रांत सर हरामी भी हैं पर मैं उसका कुछ नहीं कर सकती अंशा अपने आप से ही बात कर रही थी तभी उसके कानों में वंश की आवाज़ पड़ती है आ बड़ाऊ हूँ वंश की आवाज़ सुनकर अंशा अपने सन्स में आती है और उसको याद आता है वो यहाँ क्यों आई थी अंशा जिम में आकर देखती हैं वंश को आलू अपनी गोद में लेकर बैठी हैं और बेबीज भी उसके पास ही बैठे थे वो चारों वंश के साथ बात कर रहे थे और वंश भी अपनी बच्चों वाली भाषा में उनको जवाब दे रहा था अंशा अपने बच्चों को एक साथ इतने प्यार से बैठे देखकर इमोशनल हो जाती हैं एक वक्त ऐसा आ गया था जब अंशा अनाथ हो गई थी उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं था और आप उसके पास सब कुछ हैं मोन डैड जैसे सास ससुर बहन जैसी दो नंद और फ्रेंड और भाई जैसे दोस्त आज अंशा के पास अपना कहने वाले बहुत लोग थे और ये सब उसको देने वाला और कोई नहीं उसका डेंजरस हब भी ही था अंशा विक्रांत के पास जाती है और पीछे से विक्रांत को हक करके उसकी पीठ पर अपना सिर रख कर प्यार से बोली हब्बी थैंक यू मुझे ऐसे क्यूट क्यूट बेबी देने के लिए विक्रांत टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए अंशा से बोला स्वीट हार्ट आज मुझे पर बहुत प्यार आ रहा है कुछ चाहिए है अंशा विक्रांत की बात सुनकर उसकी कंधे पर बाइट करके बोली हब्बी मैं कब आपको गिफ्ट के लिए मक्खन लगती हूँ वो तो आप ही हैं जो रोज रोज मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं शॉपिंग करने का ठेका तो आपकी राजकुमारियों ने लेकर रखा है अंशा विक्रांत से दूर हो जाती है विक्रांत वेट को नीचे रखकर टावल लेकर अपना पसीना पहुँचते हुए अंशा की तरफ मुड़ता है और अंशा को मुंह फूला खड़ा देखता है विक्रांत अंशा के करीब आकर उसके हाथ में टावल देकर बोला स्वीट हार्ट वाइफ द स्वेट ऑफ माई बॉडी अंशा विक्रांत की अपर बॉडी पर से पसीना पहुँचते हुए बोली लड़ाई लड़ाई बंद करो पैप्सी की छीछी सफा करो विक्रांत अंशा की बात सुनकर उसको हैरानी भरी नजरों से देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला वॉट अंशा विक्रांत के एब्स पर अपने रंगीन नाखून घूमते हुए बोली हबी ये लड़ाई बंद करने का एक प्राचीन सॉन्ग है जो मैं बचपन से ही लड़ाई बंद करने के लिए गाती थी विक्रांत अंशा की बात सुनकर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है ऐसा महान सोम किस सिंह ने बताया है अंशा सोचते हुए बोली मुझे नहीं पता जब मैं स्कूल जाती थी तब मैंने बाकी बच्चों के मुंह से सुना था मैं और शोभित पहले बहुत लड़ाई करते थे फिर यही सॉन्ग गाकर हम लड़ाई को खत्म भी कर देते थे विक्रांत अंशा की बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला स्वीट हाथ तुम बच्चों से भी ज्यादा नौटन की बाज हो वैसे मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो क्योंकि तुम्हारा और जिम का कोई नाता नहीं है अंशा अपने आप को देख बोली हब्बी डिलीवरी के बाद लेडीज थोड़ी बहुत मोटी हो जाती हैं अगर मैं हो गई तो क्या मैं कुछ दिन बाद पहले की तरह पतली हो जाऊंगी और मैं यहाँ आपके लाडले की खबर लेने आई हूँ वो कैसे मुझे बिना बताए आपके साथ वॉक पर गया विक्रांत अंशा के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला वंश वॉक पर नहीं गया था आलू का मन वंश के साथ खेलने का था इसलिए मैं वंश को यहाँ लेकर आ गया ताकि ये बच्चे तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब ना कर सके अंशा विक्रांत को अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते देखकर खुद को दुनिया की सबसे लकी लड़की महसूस कर रही थी विक्रांत अंशा को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सेक्सुअल वॉइस में कुछ बहुत ज्यादा नोटी बोला अंशा के गाल तुंत कश्मीर सेब की तरह लाल हो जाते हैं और वो शर्माते हुए वहां से भाग जाती है विक्रांत अंशा के यू शर्म कर भाग जाने पर देवल स्माइल करता है मैंगो टैपसी से पूछता है डैडी ने मम्मा के कान में ऐसा क्या कहा कि वो शर्माते हुए भाग गई पैप्सी मैंगो की पीठ पर अपना सिर रख कर बोला अरे बड़ी बिल्ली मुझे क्या पता डैडी ने मम्मा के कान में क्या कहा तुम्हें अगर जाना है तो डैडी से जाकर पूछा लो मैंगो डरते हुए बोला न बाबा मैं डैडी से कुछ पूछने नहीं जाऊंगा अगर डैडी ने मेरे बॉम लाल कर दिए तो वही दूसरी तरफ कार्मिक के विला में वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे अगर कार्मिक को घूरते हुए बोला अबे साले तू मेरे बीवी को जब देखो भूत पकड़ने के लिए जब देखो ले जाते हैं अरे मुझे अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त अकेला बीतने का मौका नहीं मिला पाता तुम दोनों लड़के अकेले भूत पकड़ने नहीं जा सकते हो कार में कॉफ़ी पीते हुए बोला तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो अपनी बीवी से बोलो यही हमारे साथ जाती है मैं तो इसको मान ही करता हूँ एश आलू पराठे खाते हुए बोली प्रोफेसर आप इस अगत की बात मत सुनो अगद देश को घूरते हुए बोला ही कार्मिक मेरी बात सुनने या ना सुनने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए अब ब्रेकफास्ट करके घर चलो एश अगत की बात सुनकर बोली मुझे सब मालूम है तुम मुझे घर पर ले जाकर बस परेशान ही करोगे मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कार्मिक हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला अगर तुम दोनों यही क्यों नहीं रहने लगते वैसे भी ऐश के बिना विला सुन सुन लगता है अगत गहरी सांस लेकर बोला हाँ ताकि तुम मेरी लव स्टोरी के विलेन बन सको ऐश अगत की बात सुनकर बोली अच्छा ठीक है मैं घर चलने के लिए राजी हूँ पर पहले तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर चलना अगध अपनी बगल में बैठी ऐश की गाल खींच बोला जी मैडम जी व्योम जो अगत की दूसरी साइड बैठा था वो अगत के कान में बोला यार अगद आज इस एश का मूड काफ़ी अच्छा है तो अपनी बीवी को देख पर लेकर जाओ क्या पता तुम्हारी प्यार की गाड़ी चल निकले फिर अगद और ऐश ब्रेकफास्ट के बाद सीधे शॉपिंग पर निकल जाते हैं वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय विला में विक्रांत ड्रेसिंग टेबल के सामने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर खड़ा था और अपने हाथ में रिस्ट वॉच पहन रहा था विक्रांत इस वक्त डेविल किंग लग रहा था लड़कियां देखें तो उनकी धड़कने तेज हो जाए वही अंशा जो बैट पर बैठकर वंश को फीडिंग करवा रही थी वो वंश से बोली बेबी तुम अपने डैडी की हैंडसमनेस को देख रहे हो मैं तो बस तुम्हारे डैडी की हैंडसमनेस देखकर ही दीवानी सी हो जाती हूँ वंश फीडिंग छोड़कर विक्रांत को देखने लगता है वंश अपने डैडी को देखकर अपने मन में बोला मम्मा बोल तो सही रही है मेरे डैडी बहुत हैंडसम है मेरे डैडी तो सुपर हीरो हैं हाय मेरे डैडी को किसी कमीने की नजर ना लगे विक्रांत रेडी होकर अंशा से कोल्ड वॉइस में बोला स्वीट हार्ट आज बेबीज का रूटीन चेकअप करने के लिए उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है वैसे तो मैं उनको ले जाता पर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और किस सर्वेट को बेबीज के साथ भेजा तो सैंडी अपना चेकअप नहीं करवाएगी तो तुम बेबीज को हॉस्पिटल लेकर चली जाओ अंशा कुछ सोचकर बोली हब भी आज तो आलू का भी रूटीन चेकअप करवाने लेकर जाना है विक्रांत अंशा के पास आकर उसके माथे पर किस करके बोला तुम मैनेज कर लोगी अंशा एटीट्यूड में बोली ऐसा कुछ नहीं जो अंशा शर्म ना कर सके मैं नालायकों को संभाल लूंगी विक्रांत अंशा के गाल पर हाथ रखकर रोबदार आवाज में बोला ओके फिर विक्रांत अंशा और बच्चे मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं सौम्या और विक्रांत तो फटाफट ब्रेकफास्ट करके अपनी मीटिंग के लिए साथ में निकल जाते हैं कुछ आधे घंटे बाद अंशा भी बच्चों को लेकर निकल जाती हैं अंशा पहले एनिमल के स्पेशल हॉस्पिटल आती हैं और बेबीज का रूटीन चेकअप करवाती हैं बेबीज़ के रूटीन चेकअप के बाद अंशा आलू के रूटीन चेकअप के लिए निकल जाती हैं वो लोग कार में थे आलू की नैनी पैसेंजर सीट पर बैठी थी जिसकी गोद में वंश घोड़े बेचकर सो रहा था वही आलू अंशा की गोद में बैठकर पूछती है मम अब कहाँ जा रहे हैं अंशा को आलू नहीं बताती कि वो उसको भी रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं अगर अंशा आलू को अभी भी बता देती तो आलू डर कर रोने लगती अनशा आलू से बोली मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर जा रही है आलू अंशा को शकील निगाहों से देखते हुए बोली मेली को दाल में कुछ काला रंग रहा है अंशा को टाइट हक करके बोली ओ मेरी जासूस भोलू तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हें कुंभ के मेले में छोड़ने नहीं जा रही हूँ सैंडी अंशा से बोली मम्मा आपने इस पिंक कलर की प्लेन साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो अंशा सैंडी के माथे पर हाथ फेर कर बोली थैंक यू सेंडो अंशा ने पिंक कलर की साड़ी पल्प माती वाले स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनी थी अंशा के बाल खुले थे अंशा हमेशा की तरह बल्कि खूबसूरत लग रही थी टैपसी अंशा से बोला मम्मा हम आज अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने चले अनशा हाँ में सिर हिलाती है फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अनशा आलू को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल में जाती है बेबीज भी अंशा के पीछे ही चल रहे थे अनशा आलू को चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कैबिन में लेकर जाती है और डॉक्टर आलू का चेकअप करने लगती हैं वही बेबीज बोर हो रहे थे इसलिए वो टहलने निकल जाते हैं बेबीज टहलते हुए हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर मुर्दाघर था वही तीन आत्माओं सोनू पप्पू और बाबू घर के बाहर बेंच पर बड़ी परेशान बैठ थी सोनू की आत्मा बाकी दोनों आत्मा से बोली मैं अपनी लाश की चीर फाड़ नहीं होने दे सकता पप्पू सोनू की आत्मा की बात सुनकर बोला हमें कुछ भी करके अपनी लाश का पोस्टमार्टम होने से रोनी ही होगी सोनू कुछ देर सोचकर बोला आग दिया दोस्त क्यों ना हम अपनी लाशों को चोरी कर लेते हैं न होगी लाश और न होगी पोस्टमार्टम पप्पू सोनू की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला अरे नहीं नहीं हमारे खानदान में आज तक किसने चोर तक नहीं देखा और तुम मुझे चोरी करवाना चाहते हो बाबू सोनू से बोला ओ भाई मुझे को भी ये आइडिया थोड़ा रिस्की लगता है अगर अपनी लाश चोरी करते हुए पकड़े गए तो पुलिस के दंडे पड़ेगे पप्पू घबराते हुए बोला पुलिस के दंडे खाने के बाद तो संदास जाने भी बहुत तकलीफ होगी नारे बाबा ये आइडिया कैंसिल करो सोनू पप्पू और बाबू की आत्माओं को घूरते हुए बोला तुम दोनों बार बार ये क्यों भूल जाते हो हम मार चुके हैं हम अब आत्मा हैं हमें पुलिस नहीं पकड़ सकती पप्पू मुंह बनाकर सोनू से बोला चाहे जो हो मैं चोरी नहीं करूंगा, चाहे वो अपनी ही लाश क्यों ना हो बाबू परेशान आवाज में बोला मुझे तो सोच सोच के डर रहा हूँ जब हमारी बॉडी की फाड़ होगी तो हमें कितना दर्द होगा मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है सोनू की आत्मा कांपते हुए बोली भाई लोग मैं मेरी खूबसूरत बॉडी को कत्ते पीटते नहीं देखा सकता पैप्सी उन तीनों आत्मा की बात सुनकर मैंगो और सैंडी से बोला ये तीनों अभी फ़्रश ब्रश आत्मा बने हैं तभी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं सैंडी कुछ सोचकर बोली पैप्सी क्यों ना हम इन तीनों की मदद करें हम तीनों की लाश चोरी कर लेते हैं और फिर हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी जैसे क्राइम पेट्रोल में ऊ खूनी को पकड़ कर ले गई थी ओ इन सब में कितना मज़ा आएगा कैप्सी सैंडी को घूरते हुए बोला सैंडविच तेरे दिमाग में चूना भर है क्या अगर डैडी को पता चलना ना, तुम्हें जेल यात्रा करने का बहुत शौक है तो तुम्हारे बॉम्ब पक्का लाल हो जाएंगे अब चलो और इन तीन नमूनों को करने दो बेवकूफ़ी बेबीज वहां से निकल जाते हैं वो वापस अंशा के पास आते हैं तो अंशा की गोद में चढ़ी हुई आलू को रोते हुए देखते हैं आलू रोते हुए बोल रही थी ए मेले को दूध झूठ बोलकर डॉक्टर के लेकर आए हो मैं डैडी छे आपकी शिकायत कर लूंगा ए मेले छा आपने धोखा किया है आप मॉस्टर मम्मा हो ए अंशा आलू की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोली अच्छा मैडम हो गई गलती अब चुको जाओ हम शॉपिंग पर चलते हैं आलू को शॉपिंग करना बहुत पसंद था शॉपिंग का नाम सुनकर आलू थोड़ी शांत हो जाती है चाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री वाई इज माई पोटेटो बाबू एंग्री विद मी प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें लाइक और कमेंट जरूर करें बुक को रेटिंग भी जरूर दें मुंबई शहर में जोरदार बारिश हो रही थी तभी विक्रांत की कार ओबरॉय विला में एंटर करती है ड्राइवर कार से उतर कर अम्ब्रेला खोलता है और फिर विक्रांत के लिए कार का डोर खुलता है विक्रांत कार से उतरता है और अपना कोट ठीक करता है और ड्राइवर से अम्ब्रेला लेकर विला के अंदर चला जाता है विक्रांत जैसे ही लिविंग हॉल में पहुंचता है तो देखता है आलू वंश को अपनी गोद में लेकर काउच पर बैठे हैं आंशा और उसके तीनों रसगुल्ले वहां नजर नहीं आ रहे थे आलू अकेले ही वंश के साथ लिविंग हॉल में बैठी थी तभी आलू की नैनी आती है और आलू को उसका टेडी बैर देकर बोली बेबी आप बाबा को मुझे दे दीजिए और आप खेले लीजिए आलू वंश के मोटे मोटे गालों पर किस करके बोली आंटी मैं मैजिकल टेडी बेयर के छात खेल तो वहां हूँ जे मेरी बातों पर अपनी आइस पर ब्लैंक करता है मुझे ईच के छात खेलने में ज्यादा मज़ा आता है डैडी ठीक बोलते थे मैजिकल डैडी बेयर बहुत कूट है वही नैनी की नज़र विक्रांत पर पड़ती है नैनी विक्रांत को देखकर सिर झुकाकर बोली गुड इवनिंग बॉस विक्रांत जो एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ कब से खड़ा अपने बच्चों को देख रहा था वो नैनी से कोल्ड वॉयस में पूछता है आंशा और बेबीज कहाँ हैं नैनी सिर झुकाकर बोली बॉस पता नहीं मैम हम तीनों को घर छोड़कर वापस बेबीज़ को लेकर कहाँ निकल गई विक्रांत गहरी सांस लेकर नैनी से कोल्ड वॉयस में बोला अगली बार अगर बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अंडरस्टैंड नैनी सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है फिर विक्रांत आलू के पास आकर उसके बाल पर किस करता है आलू जो वंश के साथ खेलने में मग्न थी वो विक्रांत को देखकर गुस्से में क्यूट फेस बनाकर बोली मैं आप छे टूटा हूँ विक्रांत आलू के गाल पर प्यार से हाथ फेर कर पूछता है इज बाबू एंग्री विद मी आलू विक्रांत की बात सुनकर बोली मेरा नाम आलू है पटेटो नहीं ओल मैं आप छे ही छे गुच्छा हूँ आपको पता था मम्मा मेले को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हैं फिर भी आपने मेले को नहीं बताया ताकि मैं बहाना बनाकर डॉक्टर के पास जाने जाता पल आपने मिले छात धोखा किया आप मम्मा की टीम में मिले हुए हैं विक्रांत आलू के गाल खींचते हुए बोला ओके अगली बार मैं तुम्हें बता दूंगा वैसे तुम्हारी मम्मा कहाँ गई हैं? यू नो आलू ना में सिर हिलाती है विक्रांत दो बच्चों को किस देकर रूम में चला जाता है विक्रांत रूम में आकर अंशा के बॉडीगार्ड को फोन करता है अंशा की लेडी बॉडीगार्ड पहली ही रिंग के बाद फोन रिसीव कर लेती है विक्रांत कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम्हारी मैम कहाँ है अंशा की बॉडीगार्ड विक्रांत के सवाल पर चुप हो जाती है विक्रांत बॉडीगार्ड से कोल्ड वॉइस में बोला यू नो मी सो डोंट इवन थिंक ऑफ लाइंग अंशा की बॉडीगार्ड बोली वो मैम रेस्टोरेंट आई हैं आज फूड इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट में आया था जिसकी वजह से मैम को अचानक ही रेस्टोरेंट आना पड़ा और यहाँ मैम को उनके कॉलेज के दोस्त मिल गए तो मैम उन सबके साथ बातें करने में बिजी हैं मैं मैम को फ़ोन देती हूँ विक्रांत अंशा की बॉडीगार्ड से कोल्ड वॉइस में बोला अनशा को फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है फिर विक्रांत फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है वही रेस्टोरेंट में अंशा अपने कॉलेज के साथ के साथ गप्पे हाँक रही थी आंशा की एक फ्रांत बोली यार अनशा तुझे याद है हम अपने कॉलेज के दिनों में कितने मज़े करते थे और तुम्हें वो याद है तुमने पूरी क्लास को मैथ के टेस्ट में चीटिंग करवाने की कोशिश की थी पर विक्रांत जी ने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया था अंशा कॉफ़ी का सीप लेकर बोली विक्रांत सर तो अब भी मेरे प्लान पर पानी फेर देते हैं उनकी आदत आज भी वही है विकी अंशा को घूरते हुए बोला अंशा की बच्ची तू कैसे बेशर्मों की तरह विक्रांत जी के बॉडीगार्ड के सामने ही उनकी बुराई कर रही है अगर इन बॉडीगार्ड ने तुम्हारी चुगली विक्रांत जी से कर दी तो तुम आज गई अंशा का एक दूसरा दोस्त पूछता है अंशा विक्रांत जी क्या आज भी पहले की तरह ही गुस्से वाले हैं अंशा ठंडी आह भरते हुए बोली हाँ भाई हाँ विक्रांत सर आज भी खूनखार हैं अरे मैं तक बदल गई पर मजल है विक्रांत सर बदले हो बस पूरे गुस्सा ही करते रहते हैं और वो दो पीदी आलू और वंश वो भी गुस्से में अपने डैड पर ही गए हैं ये मेरे तीन रसगुल्ले मेरी तरह प्यारे और क्यूट हैं ये मेरी तरह गुस्सा नहीं करते मधु जो सैंडी को अपनी गोद में लेकर बैठी थी वो बोली अंशा ऐसा नहीं है आलू और वंश बेबीज की तरह प्यारे और क्यूट नहीं है वैसे तुम उन दोनों को क्यों नहीं लेकर आई अंशा मधु को देख कर बोली वो दोनों चलती फिरती मुसीबत हैं आलू के तो नाखरे ही खत्म नहीं होते और वो छोटा पॉकेट वंश जब देखो हर को अपने लात खूँसों से मारता रहता है इसलिए उन दोनों नालायकों को घर छोड़कर आई हूँ आंशा के बाकी दोस्त वंश की फोटो देखने को मांगते हैं आंशा अपने फोन में अपने सभी दोस्तों को वंश की स्टेट दिखती हैं वंश की स्टेट देखते हैं आंशा की एक फ्रेंड वंश की फोटो स्टेट, स्टेट, स्टेट देखकर मुस्कुराते हुए बोली यार अंशा वंश भी आलू की तरह बहुत क्यूट है और वंश की ग्रीन आईज अंशा तुम देखना वंश बड़े होकर विक्रांत जी की तरह हैंसम और स्ट्रांड होगा और आलू तुम्हारी तरह क्यूट और ब्यूटीफुल पैप्सी अनशा की फ्रैंड की बात सुनकर भौंकने लगता है वो अनशा की फ्रैंड की बात से सहमत था फिर अनशा रात नौ बजे बेबीज को लेकर निकल जाती है अनशा इस वक्त कार में थी पैप्सी अनशा की गोद में बैठ हुआ था और सैंडी अनशा के सिर पर बैठी थी मैंगो अपनी कार में था पैप्सी अनशा से बोला मम्मा आज तो आपको अपने दोस्तों के साथ बातें करके बहुत मज़ा आया ना अनशा प्यारी सी स्माइल करके बोली हाँ मज़ा तो बहुत आया सैंडी अनशा से बोली मम्मा आप एक चीज़ भूल गई हो घर जाकर आपको डैडी की डांट भी खानी पड़ेगी आपने उनको नहीं बताया हम कहाँ हैं अंशा मुंह बनाकर बोली सैंडो विक्रांत सर को हमारे हर पल खबर रहती हैं तो चांद मारो पैप्सी अंशा से बोला मम्मा आपको पता है आज सुबह हमने तीन बेवकूफ़ आत्माओं को देखा था तो अपनी लाश चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे अंशा पैप्सी की बात सुनकर पूछती है ए तुम उन आत्माओं से मदद का वादा तो नहीं करके आ गए पैप्सी अंशा से मज़ाक करते हुए बोला हाँ मम्मा अब आपको उन तीनों आत्माओं की लाश चोरी करनी होगी अंशा पैप्सी के बॉम्ब पर मार कर गुस्से में बोली अरे नालायक उन आत्माओं से वादा करने से पहले एक बार विक्रांत सर के गुस्से को याद कर लेता अगर मैंने उन आत्माओं के चक्कर में लाश चोरी कर ली तो विक्रांत सर मुझे कच्चा चबा जाएंगे उनको वैसे ही मेरा भूत प्रेत की मदद करना पसंद नहीं है पैप्सी ओबरए तुम तो तु आज गए पैप्सी अंशा को विक्रांत से डरते हुए देख कर हंसते हुए बोला मम्मा आप वैसे तो शेरनी बनी घूमती हैं और डैडी के सामने भींगी बिल्ली बन जाती हो अंशा पैप्सी के बॉम्ब पर दो बार मार कर बोली विक्रांत सर का गुस्सा अभी तुमने देखा ही कहाँ है उनका गुस्सा तो मेरे ऊपर ही उतरता है मैं किसकी लाश चोरी नहीं करने वाली सैंडी हंसते हुए बोली मम्मा डरो मत हमने उन आत्माओं से कोई वादा नहीं किया हम तो तमाशा देखकर पतली गली से निकल गए थे आंशा चैन की सांस लेती हैं अभी कुछ दिन पहले ही तो वंश के चक्कर में अंशा को विक्रांत का गुस्सा झेलना पड़ा था आंशा भी विक्रांत से बहुत डरती थी चाहे वो लोगों से कितना भी कहती घूमती है उसको विक्रांत से डर नहीं लगता पर सच तो यही है विक्रांत का रूप देखकर तो अंशा की भी डर से हालत खराब हो जाती थी आंशा और बेबी विला पहुंच जाती है वहीं उनके साथ तीन बिन बुलाए मेहमान भी ओबरॉय विला में आ गए थे अंशा जैसे ही अपने रूम में पहुंचती हैं तो विक्रांत को वंश को बोतल से फीडिंग करवाते हुए देखती हैं विक्रांत वंश को गोद में लेकर घूम रहा था वहीं अंशा विक्रांत का एक्सप्रेस लास्ट फेस देखकर घबरा जाती हैं और खुद से धीमी आवाज़ में बोली अनशा बेवली तू कैसे भूल गई वंश को फीडिंग भी करवानी थी वंश आलू की तरह खाना नहीं खाता विक्रांत बिना पीछे मुड़ कोल्ड वॉइस में बोला मिसेज अंशा ओबरोए तुम शायद भूल गई हो तुम्हारा एक छोटा सा बेबी है जिसको तुम्हारी जरूरत है अंशा विक्रांत से बोली सॉरी हब्बी मुझे अपने दोस्तों से बात करने के चक्कर में देर हो गई विक्रांत जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी वो अंशा से कोल्ड वॉइस में बोला स्वीट हाट अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा अंशा विक्रांत की बात सुनकर बोली हब्या आप मुझे क्यों डांट रहे आप इस वंश को क्यों नहीं डांटते मैं अगर इसको अपने साथ लेकर जाती तो ये अपनी क्यूट अदाओं से खुद को नजर लगवा लेता और छोटी बेबी को बहुत जल्दी से बुरी नजर लग जाती है बस इसलिए मैं वंश को लेकर नहीं गई विक्रांत अंशा की तरह घूमता है अंशा विक्रांत की लाल आंखें देखकर महसूस कर लेती है विक्रांत बहुत गुस्से में है अंशा की डर से हालत खबर होने लगती है विक्रांत अंशा को अपनी लाल आंखों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला आलू को अपने साथ ना लेकर जाने का तुम्हारे पास क्या बहाना है अंशा हिम्मत करके बोली हब्बी मैं तो काम से गई थी मुझे नहीं पता था मुझे इतना टाइम लग जाएगा विक्रांत अंशा को से नीचे तक देख कर अपनी गुस्से से लाल निगाहों से देख कर कोल्ड वॉइस में बोला मिस अनशा शर्मा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम आलू और वंश को घर छोड़कर क्यों गई थी क्योंकि तुम दो बच्चों की माँ नहीं कहलाना चाहती तुम बेबीज को भी अपने साथ बस इसलिए लेकर गई थी ताकि तुम मेरे गुस्से से बच सको विक्रांत की बात सुनकर अंशा की आंखें छोटी हो जाती हैं वो विक्रांत से बोली हम भी पूरी दुनिया को पता है मैं आपके बच्चों की मम्मा हूँ तो मैं अगर बच्चों को कहीं लेकर भी ना जाऊं तो भी सबको पता है मैं विक्रांत ओबरॉय की वाइफ हूँ और उनके बच्चों की मम्मा हूँ विक्रांत अंशा के चेहरे पर अपना डर देखकर अचानक ही हल्का सा मुस्कुराता है अंशा विक्रांत को मुस्कुराते देखकर रोने लगती है और विक्रांत के कंधे पर बाइट करके बोली ए बच्चे और बच्चों के डैडी मेरे साथ मजाक करने पर लगे हैं आप लोग बहुत बुरे हो विक्रांत अंशा की गोद में वंश को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला स्वीट हार्ट मैं तुमसे नाराज हूँ पर मैं ये भी जानता हूँ तुम अपने रेस्टोरेंट की वजह से बच्चों को जल्दी जल्दी में छोड़कर चली गई अगली बार कहीं भी जाओ तो वंश को जरूर अपने साथ लेकर जाना आलू और बेबीज तो अब बड़े हो गए हैं उन्होंने तो उनकी ननी भी संभल सकती हैं अंदस्तान आंशा हाँ में सिर हिलाती हैं और अपने मन में बोली आंशा बच गए वरना विक्रांत सर का गुस्सा झेलना पड़ता है आंशा वंश को लेकर बैग पर बैठ जाती हैं और फिर आंशा ही वंश को फीडिंग करवाने लगती हैं विक्रांत की एक फोन आता है और वो बात करते हुए रूम से बाहर चला जाता है वही दूसरी तरफ अगध और एशपुरी दिन घूमने फिरने के एंजॉय करने के बाद घर लौटते हैं आगद ढेर सारे शॉपिंग बैग काउच पर रखता है एश काउच पर धड़ाम करके बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए बोली अगध आज तो बहुत मजा आया आगद यश की बगल में बैठ बोला वाकई आज तो बहुत मजा आया तभी मेर उन दोनों के लिए पानी लेकर आती है और उनको पानी देते हुए बोली सर मैं आप लोगों के दिन लगा दूं। अगध मेर से बोला हम लोग बाहर से दिन करके आए हैं फिर मैं चली जाती हैं अंगदेश के की गाल खींचते हुए बोला ऐश मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से एक ड्रेस खरीदी है तो क्या वो तुम मुझे पहना कर दिखाओगी ऐश ही में सिर हिलाती है ऐश काफी अच्छे मूड में थी और दूसरी बात ऐश को पता भी नहीं चला कि कब उसको अगत की आदत हो गई है उस अगध के साथ अच्छा लगता है पर वो ये बात अगध और बाकी सब से छुपाती है अगध एक शॉपिंग बैग उठाता है और एश को देकर एश को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर आता है और फिर एश को नीचे उतारा देता है एश बैग लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है वही अगर रूम का डोर लॉक करके रूम की लाइट डिम कर देता है और अपनी शर्ट के ऊपर के तीन बटन खोल लेता है कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का डोर खुलता है और ऐश ब्लैक कलर की शॉप लेंथ वाली सेक्सी सी नाइटी पहनकर आती है ऐश के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रखे थे ऐश कुछ कदम चलकर रुक जाती हैं पर अगत की दिल की धड़कनें बढ़ा जाती हैं जब 544 हंड्रेड मधोश भरी रात और बेचैन वंश प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें लाइक और कमेंट जरूर करें बुक को रेटिंग भी जरूर दें मुंबई में जोरदार बारिश चल रही थी वही अगदेश को अब से एक टक देख रहा था अगदेश के इस हॉट अवतार को देखकर कर कर पल के झपकाना ही भूल गया था वही एश भी कब से सिर झुका कर खड़ी थी और बस शर्मा ही रही थी तभी उन दोनों के कानों में तेज बदल गरजने की आवाज पड़ती है तब कहीं जाकर दोनों अपने अपने हंस में आते हैं एशयु तो रोज खतरनाक भूत प्रेतों से सामना करती थी पर पता नहीं कैसे वो इस पर तेज बदल के गरजने की आवाज से डर गई और भागते हुए अंगद के पास आए और उसके सीने से लग गई एश का यूं करीब आने से अंगद के तान बदन में आग लग गई उसकेश को अपना बनने के अरमान और दृढ़ हो गया आगादेश के कान में गर्म सांसें छोड़ हुए डीप वॉइस में बोला ऐश आज तुम्हें दिया हुआ वक्त पूरा हुआ आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ ऐश अगत की बात सुनकर उससे दूर हो जाती है और अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों से छुपकर शर्माते हुए बोली अगर तुम कितने हेवासी हो जब देखो मुझे यही बात करते रहते हो मुझे इस बात को सुनकर बहुत शर्म आती है आंगादेश के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और ऐश की खुली पीठ पर अपनी उंगलियों को सेक्सुअल वे में घूमते हुए डीप वॉयस में बोला आप रात जब हम एक हो जाएंगे तो तुम्हारी सारी शर्म कहीं छूमंतर हो जाएगी अगत की बात सुनकर एश की दिल की धड़कने राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेज हो जाती है एश आगत से अपने धड़कनों पर कंट्रोल करते हुए बोली आगत मैं थक गई हूँ आगत एश को अपनी तरफ घूमकर उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाकर डीप वॉइस में बोला नो no बेबी अब मैं तुमसे एक दिन और दूर नहीं रह सकता और मैं अपने प्यार से तुम्हारी सारी थकना उतर दूंगा अगद अपनी बात बोलकर एश के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके बाद अगद एश को पैशनेट किस करने लगता है एश को इतनी शर्म आ रही थी कि वो अगद को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी अगद अगदेश को अपनी गोद में उठाकर उसके पैरों को अपनी कमर पर फोल्ड कर लेता है अगद की पैशनेट किस से एश भी धीरे धीरे पिघल रही थी आगत जब देखता है ईश को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो ईश को फ्री कर देता है ईश लंबी लंबी सांसी ले रही थी आगा देश को बेड पर लेकर पहुंचता है आगा देश को बेड पर लेट कर उसके ऊपर आ जाता है और वो ईश की गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है ईश के मुंह से आह निकलने लगती है आगा देश की गर्दन से कोलर बोन पर आ जाता है ऐश आहे भरते हुए अगत से बोली आह आगत प्लीज आज नहीं आगद देश के सोल्डर पर बाइट करके डीप वॉइस में बोला एश आज मुझे कोई नहीं कर सकता तुम भी नहीं आगद देश के कोलर बोन से उभर पर आ जाता है और अगध उभर से होते हुए एश के पेट पर आकर उसके नेवल पर लिंक और सक करने लगता है एश मद होश होती जा रही थी उसके दिल में भी अगद के करीब आने की इच्छा हो रही थी एश की आहें सुनकर अगद एक हो रहा था और आज वो एश को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था आज तो वो एश को हर तरीके से अपना बनने के मूड में था आगा देश के पेट पर किस और बाइट करते हुए नीचे की और बढ़ रहा है एश सिं लेने लगी थी उसकी मधोश भरी पूरे रूम में गूंज रही थी और अगत को दीवाना बना रही थी आगा देश की थाई पर किस और बाइट करता है और ऐश से सेक्सुअल वॉइस में पूछता है बेबी मैं किसी स्टाइल में तुम्हें प्यार करूं टेल मी एश सिस्कियाँ लेते हुए बोली आहे जैसे तुम चाहो आगादेश को पलट देता है और उसकी गोद पीठ पर किस और बाइट करने लगता है वक्त के साथ की क्लोथ रिमूव कर देता है आगादेश की ब्यूटीफुल बॉडी ऊपर से नीचे तक देखा कर डेविल स्माइल करते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला आज मैं हमारे बीच की सभी दूरियों को कम दूंगा अब हम दो जिसमें एक जान कहलाएंगे फिर अगदेश से दूर होकर अपने भी क्लोथ रिमूव कर देता है और ब्लैंकेट लेकर एश के ऊपर आ जाता है उसके बाद अगदेश को अपने आगोश में भर लेता है और ऐश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं अगदेश के होठों पर शॉफ्ट किस करने लगता है कुछ देर बाद अगदेश को वाइल्ड लव करने लगता है और पूरा रूम ऐश की सिस्कियाँ और करहाने की आवाज़ों से भर चुका था अगदेश को पाकर वाइल्ड हो चुका था वो यश को अपने प्यार की गहराई देखना चाहता था वो अपने वाइल्ड रोमेंस के जरिए एश को बताना चाहता था कि वो उसको पाने के लिए कितना तड़प रहा था एश के भी अगत की पीठ में नाखून गड़ रही थी जिससे अगद और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया था एश और अगद दोनों ही इस पर को एन्जॉय कर रहे थे और वो दोनों ही इस वक्त पसीने से लतपथ हो रखे थे एसी भी उन्हें कूल नहीं कर पा रहा था कुछ देर बाद अगद एश को अपने ऊपर लेटा लेता है अगद गहरी गहरी सांसें लेते हुए एश से बोला नाउ इट्स योर टर्न एश शर्म जाती है एश अगत के पसीने से लगपत एब्स पर सेक्सुअली वे में हाथ घूमकर धीमी आवाज में बोली मुझे तो कुछ आता ही नहीं है अगध एश की कमर पर हाथ रखकर सेक्सुअल वॉयस में बोला डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट एश भी शर्माते हुए अगध का कहना मानकर उसे प्यार करने लगती है दोनों एक दूसरे के हो चुके थे और वो अपने मिलन को खुद कर एंजॉय भी कर रहे थे वही एक घंटे बाद अगध फिर से एश के ऊपर आकर उसके होठों को अपने गिरफ्तार में लेकर प्यार करने लगता है दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खो चुके थे वही दूसरी तरफ ओबरॉय विला में विक्रांत और अंशा हो रहे थे वंश उनके बीच में सो रहा था वो अचानक ही जाग जाता है और रोने लगता है वंश के रोने से अंशा की भी आंखें खुल जाती हैं अंशा वंश को फीडिंग करवाने लगती है पर वंश फीडिंग नहीं करता वो बस जोर जोर से रो रहा था आंशा को अपनी गोद में लेकर घूरते हुए नींद भरी आवाज़ में बोली तुमसे अच्छी भी मेरे आलू हैं कभी उसने मुझे रात को परेशान नहीं किया एक बार फीडिंग करके सो गई तो फिर सुबह ही जागती थी और एक तुम हो तुम्हें तुम्हें आधी रात को खेलना होता है तुम अपने और मेरे तो नींद खराब करते ही हो उसके साथ मेरे रसगुल्लों की नींद भी बर्बाद करते हो तुमको आधी रात में भी बेबीज़ के साथ खेलना होता है वंश अपने पैर जोर से फेंकते हुए ही बोलता है आंशा बिना विक्रांत को डिस्टर्ब करें वंश को लेकर रूम से निकल जाती हैं आंशा एक बार आलू के रूम का डोर खोल कर चेक करती हैं आलू तो मस्त हो रही थी आंशा वंश को देखते हुए बोली शैतान लड़के अपनी बहन को देखो कैसे मस्त होकर सो रही हैं तुम तो अगर उसके कान पर जाकर सोगे भी ना तो भी वो जागने वाली नहीं है अपनी बहन से कुछ सीखो आंशा आलू के रूम का डोर बंद करके वंश को लिफ्ट से नीचे लेकर पहुंचती है आंशा वंश को लेकर जैसे ही बेबीज के रूम में पहुंचती है तो वो भी चैन से सो रहे थे आंशा का मन तो नहीं था बेबीज को नींद से जागने का पर वो मजबूर थी वंश जब तक बेबीज के साथ खेल नहीं लेगा वो रोता ही रहेगा आंशा रूम की लाइट ऑन करती है तो पैप्सी जो बहुत ज्यादा चौकन्ना था वो झट से अपनी आंखें खोल लेता है आंशा वंश को पैप्सी के पास ले देती है वंश सेंडी को देखता है जो चेहरे तक ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी वंश अपने हाथ पैर मारकर सैंडी को जागने के लिए बोल रहा था आंशा वंश को अपनी तितली जैसी आंखों से घूरते हुए बोली राजकुमार जी आप बहुत सिद्ध हो गए हैं ऐसा ना हो आपके मुझे बॉम लाल करने पर जाए वंश अंशा की धमकी सुनकर जोर जोर से रोने लगता है वंश के रोने की आवाज सुनकर सैंडी और मैंगो दोनों ही जाग जाते हैं सैंडी वंश को देखकर खुश हो जाती हैं अंशा बेबी से परेशान आवाज में बोली तुम अपने नालायक भाई को संभालो मैं जर अपने लिए कॉफ़ी बना कर लेती हूँ इस लड़के ने रो रो कर मेरा सिर में दर्द करके रखा है फिर अंशा वंश को बेबीज के पास छोड़कर अपने लिए कॉफ़ी बनने चली जाती है सैंडी जंप मारकर पैप्सी के बेड पर आ जाती है और वंश के मोटे मोटे गालों पर किस करके अपनी भाषा में बोली म्याऊ 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 मेरा प्यार प्यार बेबी फिर सैंडी वंश से इधर उधर की बातें करने लग जाती है पैप्सी और मैंगो सैंडी को घूर रहे थे सैंडी वंश से हद से ज्यादा बात करती थी जिस वजह से वंश को बेबीज खासकर सैंडी से बात करने की आदत हो गई थी और वंश को बेबीज की बातें समझ आती हैं या नहीं ये तो वंश ही जाने वही अंशा किचन में आती हैं और अपने लिए कॉफ़ी बनने लगती हैं अंशा खुद से ही बातें कर रही थी ये वंश बिल्कुल विक्रांत सर की तरह ही है जैसे विक्रांत सर को एक उंगली भी टच कर दो तो जाग जाते हैं वैसे ही ये वंश भी है मेरे बेबीज और आलू तो मेरी तरफ कुंभकर्ण हैं आंशा अपने आप से ही बातें करने में लगी थी तभी से फ्रिज जहाँ रखा था वहां से किसी की बातें करने की धीमी धीमी आवाज़ अचानक से आने लगती है अनशा फ्रिज की तरह घूरते हुए बोली कहीं कोई सर्वेद फ्रिज के पीछे प्रेम लीला तो नहीं कर रहे फिर अनशा अपने माथे पर उँधली रखकर बोली हमारे घर के नौकर ऐसे थर्की तो नहीं है कि अपना सर्वेद कोर्टा छोड़कर यहाँ फ़्रिज के पीछे रोमांस करने आए आंशा गैस ऑफ करके फ्रिज की ओर धीमे धीमे कदमों के साथ बढ़ती हैं आंशा जब फ्रिज के पास पहुंचती हैं तो तीन लड़कों को केक खाते देखती हैं उन दोनों लड़कों की बॉडी चमक रही थी आंशा उन तीनों लड़कों की चमकती बॉडी को देख समझ जाती हैं ये तीनों आत्माएं हैं अंशा उन तीनों आत्मा से गुस्से में बोली ए तुम लोग कौन हो वो तीनों आत्माएं हैरानी से अंशा को देखते हैं उन तीनों आत्माओं में से एक आत्मा अंशा से अपनी हैरान भरी आवाज़ में पूछती है देवी जी आप हमें देख सकती हैं अंशा गहरी सांस लेकर बोली ही भाई हाँ मुझे आत्माएं दिखाई देती हैं आत्माओं की दुनिया में जो हारी आंखों वाली बेबुलली लड़की महसूस है वो मैं ही हूँ वो तीनों आत्माएं अंशा को ऊपर से नीचे तक देखती हैं दूसरी आत्मा बोली अब आत्माओं की दुनिया में हैंसम बगरबिल्ला और उसके चूनू मूनू मशहूर हैं अंशा आंखें छोटी करके उन आत्माओं से बोली तुम कहीं प्रोफेसर कार्मिक और उसकी टीम की बात तो नहीं कर रहे हो तीसरी आत्मा बोली हमें उस हैंडसम बगर बिल्ला का असली नाम नहीं पता आंशा मुंह बनाकर बोली अच्छा ये सब चूल्हे में झोंको और ये बताओ तुम मेरे घर में मुंह ढूंढ कर क्यों घूस आए हो पहली आत्मा अंशा से बोली वो हम तीनों हॉस्पिटल में अपनी लाश चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे तभी दो क्यूट डॉग और एक कैट को देखा उनकी बातों बातों से लगा कि वो हमें देखा सकते हैं इसलिए हम उन तीनों से अपनी लाश चारों करने में मदद लेने आए थे हमें ने सोचा मदद मांगने से पहले कुछ मीठा खा ले अंशा उन तीनों आत्माओं से बोली मेरे रसगुल्ले तुम लोगों की मदद नहीं करेंगे दूसरी आत्मा बोली वो नहीं तो तुम हमारी मदद कर दो तुम्हें भी तो आत्माएं दिखाई देती हैं अंशा उन आत्माओं की बात सुनकर बोली नरे बाबा तुम लोग मेरे हस्बैंड को नहीं जानते हो वो बहुत खतरनाक है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं मैं आत्माओं की मदद करके किसी मुसीबत में पड़ वैसे मुझे एक बात बताओ तुम्हें अपनी लाश चोरी ही क्यों करनी है बाबू सोनू और पप्पू सेट फेस बनाकर अंशा को देखते हैं बाबू अंशा से बोला हम तीनों दोस्त गांव के सबसे हैंडसम लड़के थे हम तीनों दोस्त गांव से मुंबई हीरो बनने आए और हम जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगे हम तीनों को ही अपने आप से बहुत प्यार था इसलिए हम नहीं चाहते हमारी बॉडी की चीर फाड़ हो अंशा गहरी सांस लेकर बोली अरे पोस्टमार्टम में चीर फाड़ जैसा कुछ नहीं होता उसमें तो बस एक काट लगाया जाता है और इंसान कैसे मार इस बात का पता लगाया जाता है और अगर किसकी नॉर्मल डेथ होती है तो बॉडी के सही ऑर्गन निकल कर किसी जरूरतमंद को दे देते हैं और ये तो अच्छी बात है वो तीनों आत्माएं मन कर देती हैं वो अपनी खूबसूरत बॉडी को लेकर ओवर पजेसिव थे कि वो नहीं चाहते थे कि उसकी बॉडी पर एक छोटा सा काट भी आए और शायद उनकी मुक्ति इससे जुड़ी थी अंशा उन तीनों आत्मा से बोली वैसे एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है फिर अंशा अपने नाइट सूट के लोअर की, की जेब से अपना मोबाइल निकल कर कार्मिक को फोन करती है तीन चार रिंग बाद कार्मिक फोन रिसीव करता है अंशा उससे बोली प्रोफेसर तीन आत्माओं को आपकी मदद की जरूरत है मैं उन तीनों आत्माओं को आपके विला भेज रही हूँ फोन की दूसरी तरफ से कार्मिक बोला अंशा मैं और व्योम एक केस के लिए कोलकाता आए हैं और हमें यहाँ एक हफ्ता लग जाएगा तो तुम ही उन आत्माओं की मदद कर दो अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ मुझे जरूर काम है कार्मिक फिर फोन काट देता है अंशा उन आत्माओं से बोली तुम तीनों एक हफ्ते का इंतजार कर लो फिर प्रोफेसर आ जाएंगे और तुम्हारी मदद कर देंगे पप्पू सेट फेस बनाकर बोला कल सुबह दस बजे पोस्टमार्टम है तो प्लीज दीदी आप ही हमारी मदद कर दो वो तीनों आत्माएं अंशा को दीदी प्लीज बोलने लगती हैं और मासूम अंशा दीदी शब्द सुनकर पिघल जाती हैं आंशा उन तीनों से बोली हम लोग कल सुबह लाश लेने चलेगे सोनू की आत्मा अंशा की बात सुनकर पूछती हैं वो हॉस्पिटल वाले तुम्हें लाश दे देंगे आंशा क्यूट सी स्माइल करके बोली तुम्हारे जीजू बहुत पावरफुल मैन हैं उनकी बहुत चलती हैं तो मैं बड़ी आसानी से तुम तीनों की लाश ले लूंगी वैसे फिर तुम्हारी लाश के साथ क्या करना है बाबू की आत्मा सेंड में बोली दीदी आप हमारी लाशों का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देना हॉस्पिटल वाले तो बस हम बोझ समझ कर जाल देंगे अंशा उन तीनों से बोली तुमने मुझे दीदी बोला है तो अब तुम बेफिक्र हो जाओ जो तुम चाहते हो वही होगा तुम तीनों केक खाओ और मौज करो फाइव हंड्रेड एज का अंगत पर इल्जाम लगाना प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें लाइक like और कमेंट जरूर करें बुक को रेटिंग भी जरूर दें आसमान में सूरज चमक रहा था चिड़िया चहचहा रही थी सुबह के सात बजे अगद की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी बाहों में ऐश को बहुत सुकून से सोते हुए देखता है इस वक्त ऐश बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी अगध अपने एक हाथ से ऐश के गाल को सहलाता है और उसके ऊपर से हट रहा ब्लैंकेट उसे ठीक से उड़ता है और हल्का सा सिर उठाकर रूम में चारों ओर नज़र घूम कर देखता है तो अगद अपने और ऐश के सारे कपड़े रूम में चारों ओर बिखरे हुए देखता है जो कल रात की कहानी को अच्छे से बया कर रहे थे अगद हल्का सा मुस्कुराता है और ऐश को अपनी बाहों में और कसके भर कर खुद से ही बोला आखिरकार हम एक हो ही गए अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा मेरी वाइल्ड कैट अगद ऐश के होठों पर हल्की सी कर उसके चेहरे की खूबसूरती में खो जाता है वही कुछ देर बाद ऐश की नींद खुलती है एश को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है और पेट और लोअर बॉडी में तो आसानी दर्द हो रहा था एश अपने पेट को सहलाते हुए बैट से टेक लगाकर बैठ जाती है और खुद को अंगद की शर्ट पहने देखती हैं तो उसे कल रात उसके और अंगद के बीच जो भी कुछ हुआ वो सब याद आने लगता है और उस सब को सोचकर एश के आंसू बहने लगते हैं वो खुद को कौश रही थी कि वो कैसे अगत के साथ बहक सकती है ऐश अभी खुद को मन में कौश रही थी कि तभी इश्क के कानों में बाथरूम का डोर खुलने की आवाज़ आती है और वो बाथरूम की तरफ देखने लगती है तो वो अगत को कमर पर टावल लेपट कर बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखती है ऐश अगत को देख कर चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तो अगत उसके पास बैड पर बैठ कर उसके कान में अपनी गर्म सांसे छोड़कर बोलता है ऐश बेबी आज तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ रहा है ऐश अचानक ही गुस्से में अगत की तरफ देख कर बोली यूँ है वासी आदमी मैंने कल तुम्हारे साथ हंस बोलकर क्या बात कर ली तुमने तो मुझे ड्रग्स देकर अपना बना लिया अगध एश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी गाल खींचते हुए बोला एश बेबी तुम बहुत मजाकिया हो पर अभी मजाक नहीं मजा मजा बस रोमेंस एश अगद को खुद से दूर धकेल कर गुस्से में दांत भीज कर बोली मैं मजाक नहीं कर रही तुमने मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ वो सब किया तुम और कितना गिरोगे तुम पहले ही मेरी नजरों में बहुत गिरे हुए हो आगदेश के बदले बिहेव को देखकर पहले हैरान होता है और फिर गुस्से में ऐश से बोला कल रात जो कुछ हुआ है वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है ऐश अंगद को फिर से दूर धकेलकर गुस्से में बोली तुमने मुझे ड्रग्स देकर नशे में कर दिया होगा तो जो तुम बोलोगे मैं तो तुम्हारी बात मानती ही ना आगदेश को खुद पर इल्जाम लगते हुए देखकर गुस्से से एश के गाल दाबे हुए बोला एश सुबह सुबह झूठ बोलना तुम्हें भारी ना पड़ जाए ऐश गुस्से में अहगद के सीने पर नाजुक हाथों से मारने लगती है आगद एश की गाल छोड़ देता है ऐश अचानक ही रोने लगती है और रोते हुए बोली अगत तुमने अपनी हैवास को बूझने के लिए मेरे साथ जो किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ऐश की बात सुनकर अहगत के माथे की नसें उभर आती हैं और वो ऐश के चिन्ह को पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोला ऐश मुझे नहीं पता तुम झूठ क्यों बोला रही हो पर एक बार कान खोल कर सुन लो अब तुम मेरी हो चुकी हो अब तुम मुझे अपने करीब आने से रोक नहीं सकती फिर आगा देश के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है वही ए शगद की पीठ में मुंह के मारने लगती है ताकि अगद उसे छोड़ दे पर ऐसा नहीं होता और अगा देश की हरकत से गुस्सा होकर उसको वाइल्ड किस करने लगता है आगा देश के होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था वही पूरे तीस मिनट के बाद आगा देश के होठों को छोड़ता है इस वक्त दोनों ही लंबी लंबी सांस लेकर रहे थे आगा देश से कोल्ड वॉइस में बोला मुझे सब पता है तुम तुम सब झूठ क्यों? बोल रही हो। तुम कल रात इमोशनल में बहा गई थी और मेरे करीब आ गई और अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुम ये ड्रग्स वाला झूठ बोलकर मुझे खुद से दूर करना चाहती हो पर अब ये सब नहीं होगा अब रोज रात में तुम्हारे करीब आऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती एश अपनी सांसें संभालते हुए अगर की चेस्ट पर मुंह मारते हुए बोली ये झूठ है तुमने मुझे ड्रग्स दिया था तभी मैं बहक गई थी अगर गुस्से में ऐश की शर्ट फल कर उसके ऊपर एक बार फिर से हावी हो जाता है ऐश अगद को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है पर एश अगत को खुद से दूर कर नहीं पाती वही ओबरॉय विला में वो विक्रांत और अंशा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे विक्रांत न्यूज पेपर पढ़ रहा था आंशा खुद से धीमी आवाज बोली आंशा विक्रांत सर को सच बता दे वैसे भी इस बार आत्माओं की मदद करने में कोई रिस्क नहीं है विक्रांत सर मुझे मान नहीं करेंगे विक्रांत जो न्यूज पेपर पढ़ रहा था वो बिना अंशा को देखे कोल्ड वॉइस में बोला स्वीट हार्ट जो बात है वो बोल दो वैसे भी लड़कियों के पेट में ज्यादा देर तक कोई बात नहीं पहुँच सकती आंशा गहरी सांस लेकर विक्रांत को सारी बात बता देती है अंशा की बात सुनते ही विक्रांत न्यूज़पेपर डाइनिंग टेबल पर रखकर कोल्ड वॉइस में बोला नो वे अंशा विक्रांत को मानने के लिए उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और विक्रांत के गालों पर किसकी बारिश करते हुए बोली हब्भी प्लीज मान जाओ ना इस बार कोई रिस्क भी नहीं है बस हॉस्पिटल जाऊंगी और उन तीनों की लाश लेकर बॉडीगार्ड को दे दूंगी वो फिर उन लाशों का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर देंगे इस बीच कोई रिस्क नहीं है विक्रांत अंशा को सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा और फिर तुम्हारा काम होने के बाद मैं ऑफिस निकल जाऊंगा अंशा विक्रांत की बात सुनकर खुश हो जाती है और एक साइड होकर विक्रांत के होठों पर लाइट किस करके बोली ओह भी आप तो बहुत अच्छे हैं आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर आत्माओं की मदद करेंगे विक्रांत अंशा की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला ये सब हमेशा नहीं चलेगा ये काम कार्मिक और उसकी टीम का है तो अगली बार उन्हें ही बताना वो खुद इन आत्माओं की मदद करेंगे अंशा हमें सिर हिलाती हैं अंशा अभी खुश हो ही रही थी तभी आलू अपनी नैनी की गोद में चढ़ कर आती हैं नैनी अंशा और विक्रांत से सिर झुका कर बोली बॉस मैम आलू बेबी को हाई फीवें नैनी की बात सुनकर अंशा और विक्रांत आलू को देखते हैं उनका छोटा भालू आज मुरझाया हुआ सा था आलू की नोच रेड हो रखी थी और चेहरा पीला पर हुआ था अनशा विक्रांत की गोद से उठकर नैनी के पास आती है और आलू को अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगकर बोली आलू बाबू तुम्हें कैसा फील हो रहा है आलू धीमी सी आवाज में बोली मम्मा छप घूम रहा है मेले को टमी में दर्द हो रहा है अंशा आलू की हालत देखकर रोने लगती है आलू जल्दी से कभी बीमार नहीं पड़ती थी इसलिए अंशा को आलू को ऐसे बीमार देखने की आदत नहीं थी अंशा रोते हुए आलू से बोली मम्मा अपने आलू को कुछ नहीं होने देगी मम्मा अभी अपने आलू को डॉक्टर के लेकर जाएंगी विक्रांत अंशा के पास आकर उसके आंसू पहुँच प्यार से बोला स्वीट हार्ट रिलैक्स आलू को कुछ नहीं होगा मैं हूं ना अंशा विक्रांत के सीने पर सिर रख कर रोते हुए बोली अब भी मैं अपनी आलू के बिना नहीं जी सकती और इसको ऐसा मुरझाया हुआ नहीं देख सकती है विक्रांत अंशा के बालों पर किस करके बोला हम आलू को डॉक्टर के लेकर चलते हैं विक्रांत और अंशा अपने बच्चों को लेकर उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं जहाँ उन तीनों आत्माओं की बॉडी भी थी तीनों आत्माएं मैंगो की कार में उसके साथ बैठी थी वो लोग कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं आलू वीआईपी वार्ड के बेड पर लेटी थी और डॉक्टर की टीम आलू को चेकअप कर रही थी डॉक्टर की टीम आलू को अच्छे से चेकअप कर लेती है हे डॉक्टर सिर झुकाकर विक्रांत से बोली सर आलू बेबी को बारिश में भीगने से सर्दी हो गई और सर्दी से बुखार हो गया अगर आप परमिशन दे तो मैं आलू बेबी को इंजेक्शन दे दूँ इंजेक्शन से आलू बेबी का बुखार और पेट दर्द आधे घंटे के अंदर ठीक हो जाएंगी विक्रांत बेड पर मुरझाई हुई सी अपनी छोटी भालू को देखता है विक्रांत अंशा की तरफ देखता है अनशा ना में सिर हिलाती है विक्रांत कोल्ड वॉइस में डॉक्टर से बोला इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर ही में सिर हिलाती है फिर डॉक्टर अनशा को तीन टेबलेट देते हुए बोली मैम आप जी आलू बेबी को खिला दीजिए अनशा को टैबलेट विक्रांत को देते हुए बोली हब भी आप ही अपनी लाडली को दवाई खिला सकते हैं मुझे ये नहीं खाने वाली विक्रांत डॉक्टर को बाहर जाने को बोलता है सभी डॉक्टर वोट से बाहर चले जाते हैं फिर विक्रांत बेड के पास आता है और बेड पर बैठ आलू को अपनी गोद में लेकर बोला आलू बाबू मैं आपको एक स्टोरी सुनता हूँ आलू मारी सी आवाज में ओके बोलती है विक्रांत आलू को स्टोरी सुनते हुए दवाई खिला देता है और आलू दवाई खाने के कुछ देर बाद सो जाती है तभी पप्पू की आत्मा बोर्ड के अंदर आती है और अंशा से बोला है दीदी दस बजने वाले हैं अंशा विक्रांत की गोद में चेन से सोती आलू को देखकर थोड़ी निश्चित होकर पप्पू की आत्मा के साथ चली जाती है जब अंशा उन तीनों के साथ मर्द घर पहुंचती है तो वो वहां पुलिस वालों को देखती है अंशा एक डॉक्टर से पूछती है यहाँ पुलिस क्या कर रही है डॉक्टर अपने माथे पर हाथ रखकर बोला मैडम अब क्या बताऊं हमारे मुर्दा घर से सभी लाशें चोरी हो गई आंशा अपने माथे पर हाथ रखकर बोली लो कर लो बाबू डॉक्टर की बात सुनकर बोला ये क्या हो गया कौन कमीना हमारी मासूम लाशों को चोरी करके ले गया आंशा उन तीनों से बोली तुम चिंता मत करो मैं कुछ सोचती हूँ आंशा अपने एक बॉडीगार्ड को इन्वेस्टिगेशन पर लगा देती है अनशा फिर से आलू के बोर्ड में आ जाती है विक्रांत आलू को अपनी गोद में लेकर ऐसे बैठा था जैसे उसकी गोद में कोई अनमोल चीज हो अंशा विक्रांत के पास आकर बैग पर बैठ जाती है विक्रांत अंशा से पूछता है स्वीट हाथ तुमने अपना काम किया अंशा मुंह बनाकर बोली हब भी अब क्या बताऊं? मैं किसी काम में हाथ डालूं और वो यूं ही हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है फिर अंशा विक्रांत को बताती है लाश चोरी हो गई है विक्रांत अंशा के गाल पर हाथ रखकर रोबदार आवाज में बोला स्वीट हाथ उन आत्माओं की विश तो पूरी हो गई उनका पोस्टमार्टम होने से बच गया अंशा आलू के सिर पर हाथ फेर कर बोली हब्बी पर मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा विक्रांत अंशा के गाल खींचते हुए कोल्ड वॉइस में बोला स्वीट हाथ तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है अब तुम्हें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है इस वक्त आलू को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है विक्रांत आलू को अंशा की गोद में ले देता है अनशा की गोद में आते ही आलू के होठों पर नींद में भी स्माइल आ जाती है वही नैनी की गोद में मौजूद वंश अपने मन में बोला अरे कोई मुझे भी प्यार कर लो हर कोई इस छोटे भालू को प्यार करने पर लगा है मेरे इतने क्यूट होने का क्या फ़ायदा मुझे तो लगता है पहले मुझे ही पैदा होना चाहिए था वंश खुद से ही बातें करने में लगा था वही काउच पर बैठे बेबी आलू के लिए रो रहे थे उन्होंने तो आज तक आलू को कभी ऐसे बीमार देखा ही नहीं था मैंगोपैप्सी और सैंडी से बोला आलू का गाना याद आ रहा है पैप्सी मैंगो की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर बोला मुझे भी अंशा बेबीज को रोते देखा कर विक्रांत से बोली हब भी आप देख रहे हैं बेबीज को कैसे आलू के लिए परेशान है विक्रांत अंशा की आंखों में देख बोला मेरी आलू हाँ ही इतनी प्यारी की सब इस प्यार करते हैं वही वंश नैनी को लात घूसे मारते हुए अपनी भाषा में बोला आऊँ की कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा घर के सर्वेर तक इस छोटे भालू को प्यार करते हैं इस छोटे भालू ने सब पर जादू करके रखा है कोई बात नहीं अभी बताता हूँ फिर वंश अपने मम्मा डैडी का अटेंशन लेने के लिए रोने लगता है विक्रांत वंश की तरह देखकर अंशा से बोला स्वीठा तुम्हारा लादल आलू से जालिस हो गया जाओ कुछ देर इसको भी प्यार कर लो अंशा आलू को विक्रांत को सौंप कर बोली ये लड़का मुझे बहुत परेशान करता है फीडिंग से ज़्यादा बाइट करता है विक्रांत अंशा का क्यूट फेस देखकर हल्का सा मुस्कुराता है क्या इन आत्माओं का किस्सा यही ख़त्म हो जाएगा ये फिर लेकर आएगा कोई बड़ी मुसीबत जाने के लिए पढ़ते रहिए